मैं सुबह जूस पीने के लिए आया था इस दुकान पे, मैं और मेरी वाइफ हम हॉस्पिटल डॉक्टर से आए चेक करने के लिए। जी जी। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपने काम करो फ्रेश जूस पी लो, तो मैं फ्रेश जूस पीने आया था यहाँ पे। तो इन्होंने सुबह ना मैंने देखा कि मेरे को बोला फ्रेश जूस बना दो, तो उन्होंने अनार की जगह ना फ्लेवर डाला कलर, लाइक वो कोई फ्लेवर नहीं नथिंग एल्स, वो कलर था बिना अनार डाले जूस लाल कैसे उस पर। तो मैं सरप्राइज हुआ, मैंने पूछा मैंने कहा ये क्या किया आप लोगों ने, तो कहते भैया हमने ना ये जूस बनाया है अनार में हमने डाला है। तो उन्होंने जूस बनाया, जब उन्होंने एक्चुअल में अनार डाला, जब एक्चुअल में अनार डाला तो जूस लाल हुआ ही नहीं, क्योंकि बिकॉज अनार आजकल लाल नहीं आ रहे हैं। जी जी। अनार लाल नहीं आ रहा है आजकल पीछे से। तो अभी मैंने जो दुकान पूरी चेक कराई, हम काफ़ी लोगों से चेक करने वाले, तो उसमें काफ़ी फ्लेवर निकले। अभी ये मैंगो मैंगो शेक वाला, हम मैंगो शेक पीते हैं, मैंगो शेक में मैंगो डालने चाहिए ना कि फ्लेवर डालना चाहिए। अभी ये फ्लेवर में ना कोई ब्रांड है, ना तो इसमें कोई ब्रांड है, ना ही कुछ है, ये फ्लेवर है मैंगो का। ये कैसे दुकान पर रख सकते हैं बताओ? आप मैंगो शेक पीने आए तो ये पी रहे आप, काउंटर की हाइट इतनी कर रखी है, अंदर क्या बन रहा है किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस चक्कर में हम लोगों ने मुद्दा उठाया है रीजन बिकॉज कि जीरकपुर के लोगों को पता लगे कि हो क्या रहा है जीरकपुर के अंदर। क्या इनके पास FSSAI का लाइसेंस है? सर वी डोंट हैव आईडिया, मतलब अगर इनका कुछ नहीं है। आपके पास FSSAI का लाइसेंस नहीं है? इनपे कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। ये बारे में पाजी मैंगो शेक पी रहे हो आप, पी रहे हो ना? आप बोलो मैंगो शेक घर के लिए पैक करो। ये देखो सर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ तो हो लेवल क्या है। मैंगो शेक में मैंगो डलता है, मैंगो शेक। यहाँ का ओनर कौन है? ओनर ये ओनर है, ये पापा है, ये लड़का अपने आप में बहुत बनता है। इधर बेटा इधर आओ, आप आ गया बेटे। क्या नाम है बेटा आपका? क्या आपने ये केमिकल डाला इसमें? आप मानते हो ये केमिकल आपने डाला इसमें? नहीं भैया का जूस में नहीं डाला मैंने। ये नहीं, ये मैंगो शेक है ये नहीं, कौन सा दूसरा बताओ, कौन सा डाला आपने? जो डाला वो बताओ। मैंने मौसमी का मिक्स। क्या आपने इनको बताया कि आप इसमें केमिकल डाल रहे हो? बताओ क्या आपने इनको बताया इसमें केमिकल डाल रहे हो? भैया ने कहा भैया मिक्स जूस बना दो, अनार मौसमी चकुंदर गाजर में अनार फ्लेवर डाल, ठीक है? फ्लेवर क्यों बताया मुझे मटेरियल डालने से पहले, आपने क्यों डाला वो केमिकल मेरे जूस में? मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बताया मुझे पहले? इन्होंने मांगा था आपसे, ये कोई टॉनिक है जो आप दे रहे हो, ये कोई फ्री में पिला रहे हो आप, कम पैसे में दिया था आपने, फिर आप क्यों कर रहे हो? कितने साल से आपकी दुकान यहाँ पर? 7-8 महीने हो गए। हाँ, हर रोज कितने लोग आते हैं जूस पीने के लिए? और भाई साहब, बुजुर्ग लोग आते हैं जो पेशेंट है, बच्चे आते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया दवाई दे रहे हैं, आप जूस पियो, आपकी रिकवरी जल्दी होगी। मैंने भी बोला मेरी वाइफ की तबीयत ने बर्फ मत डालना और आप मिक्स जूस बना दो। मेरी वाइफ कहते हैं कि देखो कि ये बर्फ ना डाल दे, मैं उठ के देखा उसने कलर डाल दिया टक्कर, मुझे कहते मैंने ना डाला है। पॉसिबल की सुबह की बात है? यस सर, 10:30 में भी है। तो लाइक मैंने पूछा हो तो पॉसिबल दिस वेदर की भाई अनार इतना रेड कैसे आ सकता है? अनार तो रेड आई सर, आप इसका सैंपल टेस्ट करवाओ। डेफिनेटली हमने फूड वाले से बात की किससे, तो मैंने गाड़ी में जो बोतल थी जो मेरे जूस में, इनके पास FSSAI का लाइसेंस भी नहीं है? नहीं है सर। इन पे कार्रवाई होगी सर? इनमें कुछ नहीं है सर, ये वैसे ही चल रहे हैं निकल रहे हैं। अब आप बताइए मुझे, ये दिखाए एक बार, ये और ये देखिए, मतलब मैंगो शेक में हम मैंगो के लिए बोलते हैं मैंगो शेक बनाओ, उसमें मैंगो डलेगा सर? मैंगो है इसलिए, मैंगो है बट केमिकल मैंगो पिला पी रहे हैं हम, सब जो पी रहे हैं हम लोग। इवन चाहे बनाना शेक हो उसके लिए फ्लेवर आपको अलग मिलेगा, बनाना कम मिलेगा आपको, हर फ्लेवर मिलेगा यहाँ पे। ये जो सब केमिकली तो क्या है ये? कोई कंपनी हो कुछ मुझे बताओ ना, क्या कंपनी किस पे है? देखो भाजी कोई मैन्युफैक्चर डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देख तो लो आप, देख हम क्या पी रहे हैं, देख तो लो, हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग हम जहर पी रहे हैं अभी से। ये देखो इसके ऊपर कोई मैन्युफैक्चर डेट नहीं है, ये देखो क्या हाल है सर। आप ये देख रहे हैं इसके ऊपर कुछ, आप हर एक फ्लेवर मिलेगा यहाँ पे। ये चीज है की चीज है ये, तो क्या चीज है भाई? ओ सुन लो, केसर पा रहे हो, केसर है हो भैया? क्या है भाई? स्ट्रॉबेरी हो भाई। अब हम स्ट्रॉबेरी एक्चुअल में डलवाते हैं, ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बना देते हैं सर। ये स्ट्रॉबेरी है। और तू यार टकर है, रुक दरवाजा खोल बड़ा, अंदर दिखा। एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी है, मैन्युफैक्चर डेट तो है ही नहीं इसके ऊपर। ये देख, देखी ये पिलाने लायक है? हालत देखो सर, हालत देखो इसकी। एक चॉकलेट फ्लेवर पड़ा था तेरे पास, दिखाओ उसको। पानी ठीक नहीं हो रहे,
सर इतना केमिकल निकल रहा है आप देखिए जूस की शॉप से होना है अंदर चले थे अंदर जाओ अंदर जाओ सर गो इनसाइड गो यार क्या ही नहीं होना है पांच जना मैं जा रहा हूं मैं कितने ही लोग पूरे पंजाब में ऐसे लगे होंगे और कितने ही लोग आज हमारे पंजाब सबसे ज्यादा गैंगस्टर के पेशेंट है शायद वो उन्हीं के कारण है तो हमको इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए इनका प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए सो दैट कि इनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर बने आज ये छोड़ के चला जाए कल को कहीं और दुकान खोलेगा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा यार